स्वाद बड़ी चीज होती है, इसलिए कहते हैं कि स्वादिष्ट खाना बनाना भी एक कला है। कई लोगों को लजीज खाना बनाना और खिलाने का शौक होता है, लेकिन ये शौक जरूरत पड़ने पर किसी की जिंदगी भी बदल सकता है। मुंबई में रहने वाली गीता पाटिल ने ऐसा ही किया। जब उनके पति का जॉब चला गया तो उन्होंने अपने शौक को बिजनेस में बदल दिया। आज 6 साल बाद उनके बिजनेस में 25 महिलाओं को भी रोजगार मिला है। स्कूल में हम लोग जब भी छोटे थे तो मम्मी 20-30 लोगों का खाना घर पे बनाती थी, तो वहाँ से हम महीने तो पहले बचपन से अब वैसे उतना बना नहीं करना, तो थोड़ा मम्मी से सीखा था पहले ही। मुंबई की गीता पाटिल ने कभी नहीं सोचा था कि माँ से विरासत में मिला स्वादिष्ट खाना बनाने का शौक उन्हें एक दिन बड़ा नाम और पैसा दोनों दे। गीता ने 2016 में मोदक, पूरणपोली, चकली, पोहा, चिवड़ा जैसे महाराष्ट्रीयन स्नैक्स बनाने का छोटा सा बिजनेस शुरू किया, जो आज काकी पाटिल नाम से मशहूर हो रहा है। कभी 12,000 सालाना कमाने वाली गीता पाटिल अब करीब 1.5 करोड़ टर्नओवर का बिजनेस चलाती है। इस काम में उनके पति और दोनों बेटे भी मदद करते हैं। कुछ अफर ऐसा ये नहीं था बिजनेस करने का, खाली हमसे घर से बना के थे, फिर रिश्तेदारों को ऐसे देते थे तो सबको पसंद आता था, बोलते थे काफी लोग कि अच्छा बनाते आप, महाराष्ट्रीय स्नैक्स अच्छे बनाते हैं, तो ऐसे ही खाली बना के देते थे सबको। बाद में क्या हुआ, जब भी उनकी जॉब छूट गई उसके बाद में फिर हमारा पूरा घर खर्चा चलाना रुक गया था, बच्चों का पढ़ाई था, क्या करने का वही सोच रहे थे। तो फिर मैंने बोला अभी चलो अपने अच्छा बनाते, सब लोगों को पसंद भी आता है, अगर महाराष्ट्रीयन स्नैक्स अपन बनाते हैं सबको पसंद आता है तो अपन वहाँ से ही देखते हैं शुरुआत करके कैसा होता है। तो फिर मेरे मिस्टर बोले हाँ ठीक है अपन दोनों जन मिलके वो करेंगे, तो हमने पहले नाश्ते से शुरुआत की थी जब हम लोग नाश्ता बनाते थे। काकी पाटिल स्नैक्स और मिठाइयों के लिए मुंबई और पुणे में एक ब्रांड बन गया। गीता पाटिल बताती है कि कोविड महामारी के दौरान लॉकडाउन में जब ऑर्डर मिलना बंद हुए तो उन्हें काफी मुश्किलें आई, तब उनके बेटों ने वेबसाइट और सोशल मीडिया के जरिए काकी पाटिल को लोगों तक पहुंचाया। इसका बड़ा फायदा हुआ, उन्हें फिर से खूब ऑर्डर मिलने लगे। अब हर महीने करीब 3,000 ऑर्डर मिल रहे हैं। अभी बहुत अच्छा लगता है, जब भी हम लोग ने शुरू में किया था उतना मुझे भी नहीं लगा था कि मैं इतने आगे तक जा पाऊंगी या उतना आगे हम लोग कर पाएंगे, ये मुझे भी यकीन नहीं था, मेरा ही विश्वास नहीं था कि तो, लेकिन अभी मेरे को बहुत खुशी भी हो रही है कि जितना हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उतना अभी मुझे बहुत खुशी भी हो रही है और कुछ नहीं बता नहीं पा रही हूँ उतना। ये हमारा काम क्या है, हम लोग तो घर से काका का और मेरा काम है पूरा किचन संभालना, वो जो भी है, और ऑनलाइन का अभी हमारे मुझे या उनको इतना समझ नहीं आता है, अभी का जमाने में जो है वो हम लोग को नहीं कुछ समझ आता है, तो वो सब मेरे लड़के संभालते हैं, तो वो विनीत का ही काम है सब, वो सब ऑनलाइन का जो भी कुछ है उनका क्या करते हैं वो सब डिलीवर करना या ये करना, हम लोग खाली उसमें कुछ हेल्प हमारे रहते होते हैं, मेरा और उनका काम खाली किचन का जो भी है वो हम लोग अंदर देखते कैसे बनाते हैं क्या बनाते हैं, वो बराबर चीज उसमें जा रही है नहीं जा रही है वो सब देखना हमारा काम है। गीता पाटिल के हाथों का स्वाद अब घर घर में पहुंच रहा है, उनके स्वाद को आगे बढ़ाने में 25 महिलाएं भी मदद करती हैं। गीता और उनके पति को इस बात की बड़ी खुशी होती है कि नौकरी जाने के बाद जो बिजनेस शुरू किया उससे न सिर्फ उनका परिवार आत्मनिर्भर बना बल्कि कई और जरूरतमंद परिवारों की जिंदगी भी पटरी पर आ गई। मुझे महिलाओं को ही लेना था ज्यादा करके, तो अपन भी खुद महिला है तो सबको महिलाओं को आगे करना यही मेरा ये था कि चलो उनको भी अपने उनके मदद से ही अपन उनको भी और कुछ ये करते, उनको कुछ अपना रोजगार भी दे पाए और उनको भी थोड़ा अपने साथ आगे बढ़ाए, वही मेरा उद्देश्य। तो हम लोग सारी महिलाएं को ऐसे ही है सब महिलाएं कि जिनको घर में कुछ प्रॉब्लम है क्या तो वो भी थोड़ा योग्य तो अपने उनके घर के लिए भी हम कुछ मदद कर सकते हैं। करीबन 25 से 30 महिलाएं
और वो हम लोग ज्यादा महिला इसलिए रखते हैं, उनको पहला ये करते हैं कि वो अपना घर अपना परिवार संभाल के हमारे पास काम करते हैं, तो हम लोग उनको उनका घर का टाइमिंग और हमारे इधर का टाइमिंग वो दोनों ये करके उनको वही टाइम पे उनको काम देते हैं।